भारत की पुकार में आपका स्वागत है। मोदी नगर पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम जिला के मोतीनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा और हथियार बरामद किए गए हैं। वेस्ट डीसीपी विचित्र वीर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 जनवरी को मोतीनगर थाना, इंदरपुरी थाना और स्पेशल स्टाफ की एक संयुक्त टीम ने मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक्टिव अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। यह अभियान एसीपी पंजाबी बाग और एसीपी ऑपरेशन के निर्देशन में किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान 30 से अधिक अपराधियों का नाम सामने आया। अभियान के दौरान शिव बस्ती मोतीनगर की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम शकीला खातून और यासिन है। दोनों के पास से पुलिस ने 2700 ग्राम गांजा बरामद किया। दोनों के खिलाफ मोतीनगर थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक इन दोनों महिलाओं के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज है। इसी अभियान के दौरान 2 और अपराधी हथियार के साथ पकड़े गए। इंद्रपुरी के रिंकी सिंघल और पांडव नगर के मोहम्मद कपिल को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से पुलिस ने 2 बटन वाले चाकू बरामद की। इन दोनों के खिलाफ भी मोतीनगर थाने में अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।